मैक्रोनी खाने की जब भी हम सोचते हैं तो हमें पहले उसे उबालने के लिए झंझट करना पड़ता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप एक ही पॉट में झटपट से मैक्रोनी बनाकर तैयार करेंगे सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल को ऐड किया है और 1 चम्मच मक्खन को ऐड किया है। तो दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि जो हमारा मक्खन है अच्छे से पिघल ना जाए। यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और एक लाल मिर्च को कट कर कर लिया है। तो सबसे पहले लाल मिर्च और प्याज को डाल देंगे। तो प्याज को यहाँ पर मैं कुछ सेकंड के लिए भूनना है ताकि इसका क्रंच बना रहे। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक टमाटर, एक शिमला मिर्च को कट कर लिया था, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मैंने मैक्रोनी को डाल दिया। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा पैकेट मैक्रोनी को लिया था, उसे इसमें ऐड कर देंगे और उसे भी इन सब चीज़ों के साथ 1 मिनट तक भून लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसी तरह कच्ची मैक्रोनी को भूनना है इसके साथ। उसके बाद यहाँ पर कुछ सामान को ऐड करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने मैगी मसाला डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैगी मसाला डालने के बाद स्वाद के अनुसार नमक को ऐड करेंगे। तो 1/4 चम्मच नमक ऐड किया है, 1/2 चम्मच काली मिर्च को ऐड किया है और 2 बड़े चम्मच यहाँ पर टोमेटो केचप को ऐड किया है। टोमेटो केचप को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पर हम पानी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 ग्लास पानी को ऐड किया है। तो 1 छोटे पैकेट मैक्रोनी में 1/4 ग्लास पानी बिल्कुल परफेक्ट है। इससे क्या होगा, आपकी मैक्रोनी जो अच्छे से पक भी जाएगी और चिपकी चिपकी भी नहीं बनेगी और बहुत ज़्यादा भी नहीं पकेगी, तो एकदम परफेक्ट बनती है इस तरह से मैक्रोनी। अब इसे ढककर पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। तो थोड़ी देर बाद ढक्कन अगर चेक कर लेते हैं तो ये देखिए मैक्रोनी अभी थोड़ी सी कच्ची है। तो इसे हम फिर से मीडियम फ्लेम पर फिर से पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर चेक करा है, तो अभी मैक्रोनी हमारी थोड़ी सी कच्ची है। तो इसे फिर से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद ढक्कन लगाकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका पानी जो है बिल्कुल सूख चुका है और हमारी मैक्रोनी भी अच्छे से पक चुकी है। तो एकदम परफेक्ट मैक्रोनी बनी है और ये मैक्रोनी जो है झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और आपको मैक्रोनी अलग से उबालने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही पॉट में इसे फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों, आपको अगर ये झटपट से मैक्रोनी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं फिर से एक और इस तरह की नई रेसिपी लाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।